अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो आज के टॉपिक में हम बेटा करंट के तीन इफेक्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड नंबर 3 केमिकल इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट्स क्योंकि करंट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो हम इन्हीं इफेक्ट्स की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की शिद्दत का या उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इफेक्ट को, जिसका क्या नाम है, हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए हैं कि जब भी एक मेटालिक वायर में करंट फ्लो करता है तो वो करंट आपके उस मेटालिक वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव कर रहे होते हैं, तो हम लास्ट टॉपिक में ये चीज़ पढ़ के आए थे, जब जब वो आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ टकराते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा उन एटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे आपके एक मेटल के एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी वजह से वो एटम की बम्पिंग भी ज़्यादा हो जाती है, और उस बम्पिंग के ज़्यादा होने की वजह से आपकी तार के अंदर हीट पैदा होना शुरू हो जाती है। अब बेटा अगर हम इसके लिए एक रिलेशन कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब रिलेशन बना कैसे, आपको याद होगा हमने फर्स्ट टर्म एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, और मैटर के अंदर भी आपने एक इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा पी इज इक्वल टू वी आई। इसमें वी क्या है, इज द वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट और पी इज द पावर। अब बेटा अगर आप इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करें तो आपके सामने रिलेशन कैसे हो जाएगा, डब्ल्यू ओवर टी इज इक्वल टू वी आई। अगर मैं बटा के टाइम को इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाऊं तो W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, और ओम लॉ आपको याद होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर मैं V की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दूं तो W का रिलेशन क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। आई आई मिलकर क्या बन गया बेटा, आई स्केयर। तो नेक्स्ट आपका रिलेशन कैसे अपडेट हो जाएगा, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और W आप जानते क्या है, इज द एनर्जी, और आपकी तार में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है इस वक्त एटम्स की बम्पिंग की वजह से वो क्या कहला रही है, हीट। इसलिए W को हम H के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। आज इंसान ने करंट के इसी हीटिंग इफेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करना भी सीख लिया है, जिसकी बहुत सी कॉमन एग्जांपल्स आपके सामने हैं, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर्स, कैटल्स, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स। इन सब के अंदर अगर आप नोट करें, आप जब भी स्विच ऑन करते हैं और ये अप्लाइंसेस जब आपकी एक्टिवेट होती हैं और जब इनमें करंट फ्लो करता है और उससे जो हीट जनरेट होती है उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो बेटा ये आपके करंट का था एक हीटिंग इफेक्ट। अब बेटा हम करंट का सेकेंड इफेक्ट पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम था, मैग्नेटिक इफेक्ट। याद रखिएगा जब भी करंट किसी भी तार में बेटा फ्लो करता है तो उस फ्लो की वजह से उस तार के इर्द गिर्द क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत याद रखिएगा दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, नंबर 1 कि उस तार में करंट कितना फ्लो कर रहा है, एंड सेकेंड आप उस करंट एलिमेंट से कितना दूर हैं। लाइक अगर आप एक मैग्नेट, छोटे मैग्नेट की एग्जाम्पल ले लें, जैसे जैसे आप किसी भी आयरन को उस मैग्नेट के करीब करते जाते हैं तो उस मैग्नेट का देखेंगे मैग्नेट इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जैसे आप उससे दूर होते जाएंगे तो उसी मैग्नेट का इफेक्ट आपको क्या नजर आएगा, वीक नजर आएगा। बिल्कुल आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह आपकी मैग्नेटिक फोर्स काम करती है, और यही तार का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, याद रखिएगा हम किसी भी करंट की डिटेक्शन और मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसकी बड़े कॉमन सी एग्जाम्पल क्या है कि जो आपके घर के बाहर मीटर लगा हुआ है और उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर्स आ रही हैं जो आपके घर में करंट लेके आ रही हैं, तो वापड़ा वालों ने जब उस तार के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ को जब कैलकुलेट करना हो तो उनके पास एक डिवाइस होती है, वो डिवाइस के अंदर जब उस तार को वो लेके आते हैं तो उस तार के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ हुआ है तो वहाँ से वो डिवाइस उस मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस से उनको करंट बता देती है, और वहीं से आपके वापड़ा वाले ये भी गेस कर लेते हैं कि क्या इस घर में बिजली चोरी तो नहीं हो रही। और इसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट का एक दूसरा बहुत ही कॉमन और मशहूर आपका जो इस्तेमाल है वो किस में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर्स की भी कॉइल्स के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उसकी शाफ्ट रोटेट करना शुरू कर देती है। तो बेटा आपने दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ नोट की होगी कि आज इंसान ने एक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया।